हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन समझेंगे और उसका हम लोग करेंगे रिवीजन। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए केमिस्ट्री के और फिजिक्स का भी पहला चैप्टर मैंने डाल दिया है। अगर नहीं देखा है तो उसको फटाफट से जाके देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ें मैंने अपने समय पे मुझे नहीं मिली थी, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों को मेरा सपोर्ट भी करना चाहिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं गोलीय दर्पण और प्रकाश का परावर्तन। तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें गोलीय दर्पण होता क्या है ना। तो जो दर्पण होता है, सबसे पहले समझिएगा कि खोखला गोला होता है, कांच का एक खोखला गोला। उससे क्या कर दिया गया, एक पार्ट काट करके अलग किया गया और उस पर क्या कर दी गई, कलई कर दी गई। तो प्राप्त दर्पण जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक। अब इस गोलीय दर्पण को हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अवतल दर्पण क्या होता है, जहां से जो परावर्तन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक वस्तु रखी है मुख्य अक्ष पे, यहाँ से कोई इस प्रकाश चलती है, इसका परावर्तन होके ही प्रकाश नीचे चली जाती है। तो जहाँ पे जो परावर्तन है वो क्या हो, दबे तल से। ये दबा हुआ तल है ना, तो परावर्तन कैसे हो, दबे तल से हो, वो क्या होता है, अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण में वही जो परावर्तन है वो यहाँ से इस वाली तल से होता है, मतलब ये क्या है, उभरा हुआ है। तो परावर्तन जहाँ पे उभरे हुए तल से होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। अब इसी दर्पण के अंदर कुछ हमें चीजें पढ़ने को मिलती हैं, जैसे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस और एक होता है संयुग्मी फोकस। इतनी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया, देखिए ध्रुव, यानी जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब ध्रुव क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए एक दर्पण है, चाहे वो अवतल ले लें चाहे वो उत्तल ले लें आप, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय में दोनों आ जाता है। देखिएगा गोलीय दर्पण का जो यहाँ पे जो ये जो द्वारक होता है, द्वारक के मध्य बिंदु को, ये जो मध्य बिंदु है इसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव, जिसको हम लोग पी से लिखते हैं। सेकंड है मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए अब यहाँ से जो प्रकाश, ये वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश चलते हुए आई, रिफ्लेक्शन हुआ इसका, तो किसी पर्टिकुलर बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देगी ना, जैसे यहाँ, तो ये बिंदु यहाँ पे इस वस्तु को हम लोग आभासी मान लेते हैं, इस लाइन को, तो यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत होती है ना। तो ये जहाँ पे जो वस्तु से चलते हुए प्रकाश की किरण है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई दिखाई दे, वो होता है मुख्य फोकस, जिसको हम कैपिटल एस एफ से लिखते हैं। पर फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण का जो ध्रुव है, देखिए यहाँ से पी, ये है पी, फोकस मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं। अब हम लोग समझते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जिसे हम लोग वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं आर से, स्मॉल आर। अब देखिए ये जो गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले से काट करके अलग किया गया है, इस ये जो खोखला गोला है, इसकी जो त्रिज्या होती है, ये जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर। तो इसकी जो खोखले, जो खोखले गोले से जिसको अलग कर लिया गया है गोलीय दर्पण को, खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी वही क्या कहलाएगी, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्या है, मुख्य अक्ष, वस्तु के बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समानांतर, ये देखिए यहाँ पे समानांतर चलती हुई हमें प्रतीत होती है। तो मुख्य ये जो समांतर वस्तु से किरणें जो समानांतर चलती हैं, उसकी जो दूसरी समांतर रेखा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। अब क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र को हम लोग बच्चों सी से प्रदर्शित करते हैं। जिस तरीके से वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण जो जो खोखला गोला उसकी जो त्रिज्या होगी वो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, सेम उसी तरीके से वक्रता केंद्र भी वही होता है। गोलीय जो यहाँ पे जो खोखला गोला है, खोखले गोले से जो उसके खोखले गोले के जो केंद्र होगा, वही जो होगा वो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहला देता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक, इतना सब कुछ समझ गए। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण दोनों का यूज अलग अलग कहाँ पर होता है। तो अवतल दर्पण का यूज दाढ़ी बनाने में हम लोग करते हैं, दूसरा है टेबल लैंप में हम लोग करते हैं, तीसरा है डॉक्टर्स द्वारा आंख, कान, नाक, इन सबके इलाज के लिए जब जिस मिरर का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण। लेकिन अगर हम उत्तल की बात करते हैं, तो जो आपने गाड़ी देखी होगी, जैसे कोई फोर व्हीलर गाड़ी है या फिर टू व्हीलर ही है, उसके बगल में जो शीशा लगा रहता है वो किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। जो रोड लाइट्स वगैरह होती हैं उसमें भी किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और आप देखेंगे तो आप दो ही दो यूज आपके लिए लिखने को आता है, तो इसी तरीके से आप अच्छे से अपना पढ़ लीजिएगा बच्चों। चलिए
चलिए समझिए रेखीय आवर्धन क्या होता है जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, इसके लिए जो रेखीय आवर्धन जिसे हम एम से लिखते हैं वो सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन दिया जाता है, ये सब कहाँ यूज होगा, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे दिया रहेगा उत्तल दर्पण है, तो जब रेखीय आवर्धन ये थोड़ा ना दिया रहेगा कि धनात्मक है, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि अगर उत्तल दर्पण है तो रेखीय आवर्धन क्या रहेगा, धनात्मक, और हमेशा एक से कम रहेगा, एक से कम सदैव क्या होता है, एक से कम और धनात्मक होता है। ठीक है, अच्छा चलो अब ये गोलीय दर्पण के लिए सूत्र, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, क्या होता है, 1/V + 1/U बराबर 1/F। अब तो वो कंडीशन पे होगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस की कौन सा दर्पण है, अगर अवतल है तो कौन सा रहेगा, उत्तल है तो कौन सा रहेगा। इस पे अगर न्यूमेरिकल करना है तो वीडियो है न्यूमेरिकल वाली जिसपे केवल दर्पण का न्यूमेरिकल है, वहां से जाकर के उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम के पहले पहले। ओके चलो, ये तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, हमने इसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, देखो कम से कम मैंने आपको 7 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज करा दिया, और आप खुद से करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है बार बार अपना रिवीजन करिए। बुक से नहीं करने का मन करता, कॉपी से नहीं मन करता करने का, तो आप वीडियो देख करके करो, लेकिन करो रिवीजन अपना। ओके चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।